राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के बी एस स्वाद का तड़का में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे अभी तक आपने नहीं बनाई होगी। सोयाबीन और बेसन से बनने वाली ये जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनती भी है। बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ इसे बनाने का, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा कि कैसे बनती है ये सब्जी, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे मैं कैसे बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले ली है सोयाबीन की बड़िया, 100 ग्राम के करीब है, और आधा कटोरी जो है बेसन लिया है। बेसन को रख देते हैं अभी साइड में, और सोयाबीन को जो है हमें पानी डाल करके अभी फूलने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। गर्म पानी डालने से क्या होता है, सोयाबीन जो है अच्छे से फूल भी जाती हैं और जल्दी भी फूलती हैं। और इसे ढक करके जो है रख दूँगी मैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए इसे रख देते हैं ढक करके। और यहाँ पर हम तैयारी करते हैं ग्रेवी की। तो ग्रेवी के लिए 3 प्याज, 2 टमाटर, लहसुन, अदरक लिया है। इसे हम पीस लेंगे। 10 मिनट बाद देखिए सोयाबीन जो है अच्छे से फूल गई है। अब इसे हमें क्या करना है, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हाथों से दबाते हुए जो है इस तरीके से हमें निकाल देना है। देखिए इस तरीके से दबा दबा करके जो है इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। सारी सोयाबीन को इसी तरह से मैंने देखिए हाथों से दबाकर पानी निकाल दिया है। और एक ले रही हूँ मिक्सी का जार, और उसमें मैं डाल दूँगी ये सोयाबीन की बड़िया, और इसमें मैं डालूँगी एक छोटे साइज का प्याज कटा हुआ और 2 हरी मिर्च, और इसे हमें पीस लेना है बिना पानी के। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बिना पानी के इसे हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सोयाबीन को जो है पीस लिया है, पानी का यूज बिल्कुल नहीं किया है मैंने इसमें। और अब इसमें जो है मिलाऊंगी मैं बेसन। बेसन एक ही बार में जो है पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमें। अब बेसन का यूज यहाँ पर सिर्फ हमें बाइंडिंग के लिए करना है, ज़्यादा बेसन इसमें नहीं डालना है हमें। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, और अच्छे से इसे हाथों से जो है मिक्स करेंगे, और इसका एक डो तैयार कर लेना है हमें। अभी तक यदि आपने इस तरीके से सोयाबीन की सब्जी नहीं बनाकर खाई है तो अब जो है ज़रूर बनाकर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। इसमें मैं एक चीज़ और डाल रही हूँ, 1 पिंच के करीब खाने वाला सोडा डाल रही हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बिना सोडा के भी ये सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर डो जो है हमारा रेडी है, और यहाँ लूँगी अब मैं 5-6 जो है चम्मच लेने हैं हमें इस तरीके से। आपके पास यदि कोई स्टिक हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। छन्ना मैंने लिया है, ऑयल लगा कर रख दिया है, और इधर मैंने रख दिया था पानी गर्म होने। इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं, तब तक बाकी की तैयारी करते हैं। यहाँ लेंगे ये सोयाबीन का डो जो है लेना है, और इस तरीके से चम्मच पे जो है हमें इसे देखिए इस तरीके से लगा देना है। थोड़ा मोटे ही साइज का जो है डो लेकर के इसको अच्छे से लगाएंगे इस तरीके से, हाथों से दबाते हुए इस तरीके से देखिए। और ये जो डो है हमने बिना पानी के रेडी किया है, क्योंकि मॉइस्चर जो है सोयाबीन में पहले ही बहुत होता है, इसीलिए हमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है इसे रेडी करने में। और इसी तरीके से सारे जो है चम्मच में लगा करके हमें तैयार कर लेने हैं। देखिए
बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से ये रेडी हो जाती है बन करके। देखिए इस तरीके से जो है सभी को मैंने तैयार कर लिया है, और इसे जो है रख देंगे इस कढ़ाई में। जब पानी उबलने लगेगा इस छन्ने को इसके ऊपर रख देंगे, और इसे 10 से 15 मिनट जो है लो फ्लेम पे हमें पकाना है ढक करके। तो ढक देते हैं इसे और 10-15 मिनट बाद देखेंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कितनी फूल सी गई है सोयाबीन की जो ये, देखिए फूली फूली लग रही हैं। इसे गैस का फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। स्टिक से मैंने चेक कर लिया है, पक चुकी हैं ये, और ठंडा होने के बाद इसे अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी स्टिक जो है सोयाबीन की ठंडी हो चुकी है, इन्हें मैंने अलग कर दिया चम्मच से। बहुत ही आराम से इसे थोड़ा अलग करिएगा। इसी तरीके से सभी को जो है अलग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सारी जो है स्टिक हमने अलग कर ली हैं, और अब इन्हें हम कट करेंगे। आप अपने मन चाहे शेप में काट सकते हैं, बड़ा छोटा जिस साइज में भी आप काटना चाहें। मैं यहाँ थोड़े छोटे छोटे साइज के काट रही हूँ, और सभी को आराम से हमें इसी तरीके से जो है काट करके ले लेना है। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसे अच्छे से जो है गर्म करने होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये जो हमने सोयाबीन की स्टिक जो कट करके रखी थी इसे हम इस तरीके से डालेंगे। इसे एक बार में पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, और इसे हाई फ्लेम पे ही जो है फ्राई करके निकाल लेंगे। सभी को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी इसे बना सकते हैं, आप नहीं फ्राई करना चाहे तो आप नहीं करिएगा, बिना फ्राई किए भी ये सब्जी बन जाती है। आराम आराम से इसे मैंने पलट के दोनों साइड से जो है फ्राई कर लिया है, और सभी को इसी तरीके से फ्राई करके जो है निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं, सभी को जो है फ्राई कर लिया है मैंने। अब बचे हुए ऑयल में जो है उसी में डालेंगे जीरा, जीरा और हींग डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। जीरा जब हमारा चटक जाएगा अच्छे से तो इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे डाल करके अच्छे से जो है 2-3 मिनट के लिए हमें भून लेना है। जब ये हमारा भुन जाएगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तो अब इसमें डालेंगे हम प्याज, और प्याज का पेस्ट डाल करके इसे जो है मीडियम फ्लेम पे हमें चलाते हुए इसी तरीके से भून लेना है। 5-6 मिनट लगेंगे हमें इसे भूनने में। प्याज जब हमारा भुन जाएगा तो इसका कलर जो है अपने आप ही चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरीके से प्याज को जो है हमने भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक, नमक डाल दिया। अब इसमें डालूंगी धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे। उससे पहले मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसे भी प्याज के साथ जो है अच्छे से जो है मिक्स करते हुए हमें भून लेना है 2-3 मिनट के लिए। मसाले जब हमारे अच्छे से भुने हुए होते हैं तभी जो है सब्जी का टेस्ट जो है अच्छा आता है, इसीलिए मसालों को जो है अच्छे से भूनिएगा। मसाले यहाँ पर भुन चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, और इसे भी जो है इन मसालों के साथ जो है अच्छे से मिक्स कर देना है।
अच्छे से मिक्स कर दिया है यहाँ पर मैंने, देखिए टमाटर के पेस्ट को मसालों के साथ। इसी समय मैं डाल दूंगी इसमें मैं गरम मसाला, गरम मसाला डालकर अच्छे से कर देंगे मिक्स। और अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स करने के बाद इसे ढक देंगे, और ढक करके जो है मसालों को 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए मसाले जो हैं अच्छे से हमारे भून चुके हैं। इस सब्जी को बनाने में टाइम ज़रूर लगता है लेकिन बनती बहुत ही टेस्टी है। तो मसाले हमारे अच्छे से भुन गए, यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें पानी। मैं इसमें गर्म पानी का यूज कर रही हूँ, तो कोशिश करिएगा आप भी इसमें गर्म पानी ही डालिएगा। और इसमें आने देते हैं बॉयल। तो ग्रेवी में बॉयल आ गया है। अब इसमें जो हमने फ्राई की हुई अपनी सोयाबीन और बेसन की स्टिक को जो रखा है उसे हम डाल देंगे आराम से, और हल्के हाथों से इसे जो है अच्छे से चला देंगे। और इसे भी जो है ढक करके हमें 10 मिनट के लिए जो है पकाना है लो फ्लेम पे। तो इसे कर देते हैं कवर, और कवर करके इसे 10 मिनट के लिए जो है हमें पकने देना है। 10 मिनट हो चुके हैं, देख चलिए देखते हैं सब्जी। सब्जी देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बन करके रेडी है हमारी ये सब्जी। तो गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और इसे जो है सर्व करें। राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ, किसी के साथ भी सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरीके से बनी हुई सोयाबीन की ये सब्जी। तो कैसा लगा आपको मेरा यह तरीका कमेंट में बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो।